चलिए बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ये आपका टिग्नोमेट्री से है, इसमें बोला जा रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी है, तो सो दैट sin थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन बाय पी स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वी नो दैट, ठीक है, कि एक फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू वन होता है। ठीक है, इसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखिएगा मेरा, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, और इस चीज को अब हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब ये इस प्रकार से है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसमें ए क्या हो जा रहा है sec थीटा, उसके बाद यहाँ माइनस टेन थीटा इक्वल टू नहीं, इंटू यहाँ पे sec थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, इक्वल टू वन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे, sec थीटा माइनस टेन थीटा और यहाँ पे p इक्वल टू वन, क्यों लिखे, रीजन देखे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू ऊपर में गिवन, ठीक है, क्या गिवन दिया हुआ है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p है करके। ठीक है, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिए, और अब क्या हो गया, sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू हम लोग को मिल गया वन बाय पी, तो इसको हम लोग पकड़ लेते हैं इक्वेशन वन, और जो गिवन दिया हुआ इक्वेशन, एक्चुअली में उसको ऊपर लिखना चाहिए था, या तो एक काम करते, इसको हम लोग इक्वेशन टू ले लेते हैं, और यहाँ पे ऊपर में आप लिख दीजिएगा गिवन, और गिवन में आप ये चीज़ लिख दीजिएगा sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, और इसको आप इक्वेशन वन ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप गिवन लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ मिटा देता हूँ, सिर्फ गिवन लिखिएगा, क्योंकि ऊपर में मैंने उस समय मेंशन नहीं किया था, अभी मैंने यहाँ पे कर दिया, गिवन दिया हुआ है, इसको इक्वेशन वन मान लिए, और हम लोगों को पता है ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो इससे हम लोग क्या निकाल लिए, sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन बाय पी। ठीक है, अब हम लोग को प्रूफ करना है साइन थीटा। अब साइन थीटा कैसे आएगा, देखिए अगर हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकाल ले और टेन थीटा का वैल्यू निकाल ले, देखिए तो क्या होगा कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो इससे कॉस कॉस कट जाएगा और बचेगा क्या साइन, तो हम लोग को कौन सा वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक साइन थीटा आएगा, और इसका जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग इजिकल टू का उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोगों को ये वैल्यू मिल जाएगा जो हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, चलिए, जिससे हम लोग कॉस और टेन का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए
यहाँ पे पहला इक्वेशन है हम लोग के पास sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी, और दूसरा इक्वेशन हम लोग के पास है sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बाय पी। तो देखिए यहाँ पे tan tan कट जाएगा और हम लोग को मिलेगा क्या, 2 sec थीटा इक्वल टू पी माइनस माइनस नहीं है प्लस है प्लस 1 बाय पी। और इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 2 sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस 1 बाय पी, और फिर सिर्फ sec थीटा है ना, तो इसको हम लोग अगर ऐसे लिख दे sec थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 बाय 2, इधर आ जाएगा 2p। और थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, अभी sec थीटा इक्वल टू होता क्या है, 1 बाय cos थीटा होता है, 1 बाय cos थीटा होता है। तो अब हम लोग को क्या मिला, 1 बाय cos थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 बाय 2p। और अगर हम इसको ऊपर लिखते इस तरह से ऊपर कर दे cos थीटा को, तो ये वैल्यू यहाँ का क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ऊपर में चल जाएगा 2p और नीचे में आ जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस 1। तो cos थीटा मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे tan थीटा, तो सिंपल है, जैसे यहाँ पे एडिंग किए थे उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो यहाँ पे वही लिखता हूँ मैं, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बाय पी, और यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, और ये आपका माइनस। अब ऐसा करने से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 2 tan थीटा इक्वल टू, यहाँ मिल जाएगा हम लोग को पी माइनस 1 बाय पी, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो हम लोग को मिल जा रहा है tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे 2 रहने देते हम लोग, पी स्क्वायर माइनस 1 बाय पी, और उसके बाद में 2 tan थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 बाय पी, यहाँ 2p हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग 2 को हटा देंगे। अब देखिए tan थीटा cos थीटा दोनों मिल गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, नाउ cos थीटा tan थीटा, cos थीटा और tan थीटा को अगर हम लोग आपस में इंटू करते हैं, तो cos थीटा का वैल्यू क्या था, 2p बाय पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, tan थीटा का वैल्यू के साथ, जो कि आपका पी स्क्वायर माइनस 1 बाय 2p है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे cos थीटा और tan थीटा मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा आपका sin थीटा, और अब यहाँ पे 2p कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हम लोग को मिल जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1। और हम लोगों को यही प्रूफ करना था, देखिए ऊपर में, ठीक है ना। तो बस अब हम लोग यहाँ लिख देंगे प्रूफ,
ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।